अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर हनीफ मलक, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर हनीफ हंटर में आज हम टेस्ट करेंगे डबल बी और ट्रिपल ए। तो इन कार्ट्रिज का ग्रुप हम चेक करेंगे और चोक हम जो चेक करेंगे वो 3 नवंबर होगी। ट्रिपल ए और डबल बी, डबल बी और ट्रिपल ए दोनों 31 ग्राम है। तो ये दोनों 31 ग्राम है, लेकिन आप इनका देख सकते हैं साइज़ मामूली सा। ये ट्रिपल ए बड़ा लग रहा है, लेकिन याद रखें ट्रिपल ए हो, कोई सुपर हो, डबल बी हो, सादा हो, कार्टेज हो, 6 हो 4 हो, एनीवन, वो सारे तकरीबन 2.34 इनका साइज़ है। एक्सेप्ट ये एक्स्ट्रा लार्ज होता है जिसे एक्सेल बोलते हैं, उसका लेंथ ज़्यादा है, बाकियों की लेंथ 2.75 इंच है। और ये काउंट की जाती है फेयर होने के बाद। ये आप देख सकते हैं ये एक सुपर है और एक सिंपल 4 है, तो इसका भी साइज़ दोनों का साइज़ बराबर है, ये नज़र आ रहा है। तो ये ओपन जब हो जाता है इसमें से पीलेट बाहर निकल जाते हैं, तो ये एक लेंथ इसकी काउंट होती है। ये बात लंबी हो रही है, आज सिर्फ हमने आपको ट्रिपल ए और डबल बी इनका चौक नंबर 3 में और 25 यार्ड से, पहले हमने चेकिंग की थी 35 यार्ड से, वहाँ ज़्यादा फैलाव हो गया, 2 फुट से भी ज़्यादा पीलेट फैले, तो हम नहीं चाहते कि हमारा फुट या 1.5 फुट से ज़्यादा ये पीलेट फैलें, और इनका आज चेकिंग होगी। अच्छा, अब ये यूज़ कहाँ होते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। ये हमने भी पूरी ज़िंदगी में शायद चंद दफ़ा ही इस्तेमाल किए हों। मोस्टली ये जो है ये सेल्फ़ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा कार्टेज है ट्रिपल ए, और ये सूर के लिए, शिकार पे भी काम आ सकता है, और कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, कोई बाकी जानवरों के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसके जो पीलेट्स हैं वो 40 होते हैं इसमें, और उनका साइज़ जो मैं बता देता हूँ 5.25 mm। अब आ जाते हैं डबल बी, डबल बी में जो पीलेट होते हैं वो तकरीबन 80 पीलेट के करीब होते हैं, और उनका साइज़ होता है 4.25। फेयर करेंगे ट्रिपल ए, उनका कैसा ग्रुप रहता है 25 यार्ड से, और चौक नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हमारे साथ रहिए। ये आप देख सकते हैं 25 मीटर की सिलेक्शन की है आज हमने, और ये फुट और 1.5 फुट का कतर हमने बनाया, टारगेट तकरीबन 1.5 फुट से भी बड़ा है। इस पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर चेक करेंगे, ये ट्रिपल ए 31 ग्राम 40 पीलेट जहाँ निशान लग जाएगा उनको हम मार कर लेंगे, इसके बाद हम डबल बी। तो अभी हम फायर करने लगे हैं जी, ये ट्रिपल ए फायर करते हैं। 25 मीटर हमने पीछे दीवार के साथ निशान लगाया जी, ये 3 पे अब हम करेंगे। इधर आ जाइए, हो गया पीछे। तो ये 888 25 यार्ड से ये जो हमने निशान लगाया इस पे फायर किया, इस पे 1 2 3 4 5 यानी 5 फायर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप 2 4 और 5, क्या बात है, यानी इसका ही मैंने निशाना लिया और इस पे 5 लगे हुए हैं। हमारे पास टारगेट की कमी, टाइम की कमी, इसलिए हम इसको ही, तो इसका फैलाव जो है 1.5 फुट से दूर नहीं गया, यानी इसका ओवरऑल विद इन फुट जो है इसका ये ग्रुप लगा है। अब हम जी करने लगे हैं डबल बी, ये डबल बी है, इसमें पीलेट होते हैं 80, वो हमने ग्रुप चेक किया, उसको हमने एनसर्कल कर दिया है, तो इसके बाद हमें अंदाज हो जाएगा उसका ग्रुप बड़ा ज़बरदस्त था 25 यार्ड पे, क्योंकि उसकी लॉन्ग रेंज है, ये सारे कार्टेज लॉन्ग रेंज है, यानी ये 50 यार्ड तक भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, 60 यार्ड तक भी ये रिजल्ट देते हैं। तो अब आइए देखते हैं जी, ये चौके 25 यार्ड है, ये शॉट था, चौक भी 3 थी, तो चौक 3 नंबर होने की वजह से इसका ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ, ये भी आया, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त ग्रुप लगे हैं इन सेंटर। लेकिन ट्रिपल ए
ने जहां टारगेट बनाया था इस निशान को उसमें 5 लगे थे। डबल बी के ये थोड़े से दाएं बाएं ग्रुप बने, ये ऊपर थोड़ा सा आया, ये बहुत अच्छा ग्रुप इसका भी बना है। तो यहाँ हमें एनालिसिस इसका ये हुआ कि ये 25 यार्ड से, ये चूंकि शॉर्ट रेंज है, हमें इसको टेस्ट करना चाहिए अंदर 35 यार्ड पे। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये ट्रिपल ए बहुत कम और डबल बी बहुत कम इस्तेमाल किया है, तो आइंदा इंशाल्लाह इनकी चेकिंग और हमारा ख़र्चा बढ़ जाएगा। आपके लिए हम चेक करेंगे 35 से 40 यार्ड पे, आइंदा इनको हम चेक करेंगे 40 यार्ड पे। ये आप देख सकते हैं जी हमारी ये टेस्टिंग, ये साफ आ रही है, इधर ऐसे करना चेक कर, आगे नजर आते तो ये इधर से नजर आ रहे थे क्योंकि लाइट पड़ रही थी। तो ये जो सबसे ज्यादा ये मरकज है इनका, ये यहाँ मैंने एम लिया था और इसमें ट्रिपल ए जो है इसने यहाँ ग्रुप बनाया और सिर्फ एक पीलर डबल बी का लगा है। यानी अगर हम इस टारगेट को बताएं तो 5 हमारे लगे हैं इसके ट्रिपल ए के, ये इस छोटे से एक टारगेट को, छोटा सा इस निशान को, इसको एक्स भी आप कह सकते हैं। तो अब इस पे सिर्फ डबल बी का एक पीलेट लगा है, हालांकि डबल बी के बहुत ज़्यादा पीलेट होते हैं, 80 पीलेट होते हैं, उसमें से सिर्फ एक टारगेट पे लगा। ट्रिपल ए ये आप 70-60 यार्ड तक भी डैमेजिंग करेगा और ये बर्ड्स को जब इकट्ठे टारगेट होगा या बड़ा टारगेट होगा उसको ये डैमेज कर देगा और ये हंट कर देगा। ट्रिपल ए बेस्ट फील हुआ है, उसका ग्रुप जो है वो बहुत क्लोज और टाइट ग्रुप है और काफ़ी दूर तक जा सकता है। यहाँ 5 लगे हुए हैं ट्रिपल ए के इस निशान को और सिर्फ डबल बी का एक लगा है।